तो हे गाइस, तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए जिसका नाम है स्पाइक टाइमिंग। ठीक है, तो मेरे साथ है तुषार, जो आपको इस वीडियो के अंदर हेल्प भी करने वाले हैं। ठीक है, और बताएंगे जो सही मैं ड्रिल्स आगे बताऊंगा। ठीक है, तो स्पाइक टाइमिंग इसलिए कि जो स्पाइक स्पाइक मतलब अटैक, ठीक है, जैसे अटैक कहते हैं स्पाइक सेम, तो जो अटैकिंग के अंदर बॉल के साथ कैसे हम टाइमिंग लाएं। ठीक है, इस वीडियो का टॉपिक ये है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और पहली बार देख रहे हो, जाओ चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ जाओ, उसको भी फॉलो कर लो। और तुषार भाई का भी दिया हुआ है, तो जाओ नीचे फॉलो कर लो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। तो फर्स्ट है टेक्निक, सेकेंड है हमारा फुटवर्क, और थर्ड है ड्रिल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टेक्निक। तो टेक्निक के अंदर जब भी आप स्पाइक करते हो, ठीक है, तो ये चीज़ें यूज होती हैं। जैसे पहले आपका रनिंग, ठीक है, उसके बाद आपके स्टेप, उसके बाद हिटिंग, देन लैंडिंग। तो ये 4 स्टेप्स हैं, ये सब यूज होते हैं जब भी आप अटैकिंग करते हो। ठीक है, उसके अंदर अटैकिंग क्या, आप कोई से भी गेम करते हो, जैसे कि आप बास्केटबॉल खेलते हो उसके अंदर लैप डालते हो, हैंडबॉल खेलते हो उसके अंदर, तो ये जो 3 स्टेप वाला ये हमेशा यूज होते हैं। तो पहला था रनिंग, ठीक है, फिर स्टेप, थर्ड हिटिंग, फोर्थ लैंडिंग। अब सेकंड है हमारा फुटवर्क। देखो फुटवर्क में होता है क्या है कि जब हम स्टेप लेते हैं, जैसे कि राइट हैंड है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंडेड हेड तो राइट लेफ्ट राइट। बट जब भी हम स्पाइक करते हैं तो हमारे जो 2 स्टेप्स होते हैं, लास्ट 2 स्टेप, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको हमें एडजस्ट करना होता है कि जिस तरफ बॉल जाती है। अगर हम बाय द वे आप बॉल फ्रंट साइड में जा रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो सेकंड थर्ड स्टेप है, मेरे कहने से मतलब सेकंड थर्ड लास्ट 2 स्टेप है, वो स्टेप को आपके वो चेंजेस करते हैं कि अब आपको राइट फॉरवर्ड जाना तो फॉरवर्ड, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट, राइट जाना तो राइट। ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। तो उसको मैं आपको वीडियो के थ्रू करके दिखा दूँ। देखो जब आप स्पाइक टाइमिंग में जो दिक्कत आती है वो इसलिए आती है कि आपको मैं बॉल के साथ एक्सप्लेन कर दूँ कि जब भी आपको सेटर बॉल सेट करता है तो क्या करता है कि वो बॉल आपने काउंटर मांगा और आपको देता कहाँ है, वो मीडियम दे देगा। ठीक है, तो उस समय आपको क्या चेंजेस करने हैं अपने फुटवर्क में। अगर आप चेंजेस करते हो तो आपकी जो बॉल है वो सही लगेगी, बट आप चेंजेस नहीं करते फुटवर्क में। और जो चेंजेस होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लास्ट 2 स्टेप में होते हैं वो चेंजेस, तो वो जो दोनों चेंजेस है अगर आप करोगे 2 स्टेप में, देन आप बॉल को ईजिली स्पाइक कर पाओगे और आपका टाइमिंग सही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है ये काउंटर, ठीक है, जो हमारी स्ट्रेट बॉल है। ठीक है, उसके बाद ये है मीडियम, और यहाँ पे आती है हमारी शॉर्ट बॉल, ठीक है, और उसके बाद आएगी वाइड। तो मैं आपको एक एक करके सारे स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि हमने आपको ड्रिल के थ्रू दिखाया, ठीक है, तो आपको पहले रनिंग, स्टेप, जो लास्ट 2 स्टेप होते हैं उस पर ध्यान देना, देन उसके बाद हिटिंग। जब आपके स्टेप सही होंगे तो हिटिंग ऑलरेडी आपको अच्छा होगा, तो ये आपको याद रखना, आपको स्टेप सीखने। अगर आपको स्टेप नहीं आते तो आप कमेंट भी कर सकते हो, हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट पर जाने वाले हैं। अब ड्रिल्स, वो कौन कौन सी ड्रिल हैं जिनको आप करके अपनी जो स्पाइक की टाइमिंग है उसको अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहली जो हमारी ड्रिल है वो है टॉस और हिट। सेकेंड ड्रिल है जंप एंड हिट।
ड्रिल है सेट एंड हिट। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने आपको स्पाइक टाइमिंग इसलिए कि बहुत सारे कमेंट आए थे सर स्पाइक में हमारा टाइम नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपका नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो और भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारी हेल्प करवाई भाई ने, क्या नाम है, वनराज, ठीक है। वनराज ने हमारी हेल्प करवाई कैसे कि बॉल जो जा रही थी उनको लेकर आ रहा था वनराज, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो तुषार कुछ Follow the channel, please. Please like, subscribe, support and Elvis bhai ko vote karte raho. System.